बांग्लादेश से 10 विकेट से हारने के बाद भी WTC फाइनल में जाने का पाकिस्तान के पास ये है आखिरी मौका। अभी भी WTC फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान। देखिए ये है पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण। इस हार के बाद पाकिस्तान का मुंह दिखाना भारी पड़ रहा है, उसके वतन की लोग ही सुना रहे हैं खरी खरी। बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बांग्लादेश ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट से हराया। पाकिस्तान की इस हार के बाद क्रिकेट फैंस के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान ICC की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच की रेस से बाहर हो गया। इसी सवाल का सीधा जवाब है कि नहीं। अभी पाकिस्तान के पास एक और मौका है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। बांग्लादेश के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। टीम ने अब तक खेले गए 6 में से 2 मुकाबले जीते हैं, जबकि 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। अब टीम को 8 मुकाबले और खेलने हैं, जिनमें 6 मैच पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। ये मैच बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाएंगे। क्या पहली बार पाकिस्तान WTC के फाइनल में पहुंच जाएगा? ये सवाल पाकिस्तान के हर क्रिकेट फैंस के जहन में घूम रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि पाकिस्तान अब WTC में कहां तक जा सकता है, कितने मैचेस और जीत सकता है, और पाकिस्तान को WTC फाइनल का टिकट मिल गया तो पूरा पॉइंट टेबल कैसा होगा। तो चलिए आपको पूरा समीकरण बताते हैं कि कितने मुकाबले जीतने के लिए पाकिस्तान को जरूरी हैं अगर उन्हें WTC का फाइनल खेलना है, क्योंकि सभी मुकाबले पाकिस्तान को घर में ही खेलने हैं और घर में बांग्लादेश ने तो उसे हरा दिया, लेकिन बाकी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान को जीत दर्ज करनी ही होगी। पॉइंट्स टेबल में इस वक्त पाकिस्तान की टीम 8वें स्थान पर है। पाकिस्तान का हाल इस वक्त इतना बुरा है कि उन्हें आने वाले समय में अपने मैचेस में पूरा दमखम लगाना होगा। पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान इस वक्त 8वें नंबर पर है और नंबर 1 पर भारत की टीम, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, फिर वेस्ट इंडीज है। वैसे तो पाकिस्तान इस वक्त 8वें नंबर पर है, लेकिन उनके लिए समीकरण बहुत तगड़ा बन रहा है और किस तरीके से वो WTC का फाइनल खेल सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान के अब 8 मैच बाकी हैं, यानी कि टेस्ट मैच, जिसमें से 8 में से 6 मैच उसे घर पर खेलने हैं। अब घर पर खेलने का फायदा होता है, जो भी टीम अपने घर पर टेस्ट खेलती है उसे होम कंडीशंस का पूरा फायदा मिलता है। और WTC के पिछले कुछ सर्कल्स में देखने को मिला है कि 65% अंक अगर किसी टीम के हो जाते हैं तो वो सेफ हो जाती है, यानी कि आपको फाइनल का टिकट मिल जाता है। अब पाकिस्तान के 6 मैच में 22 अंक हैं और परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स को अगर देखें तो वो 30.5 है। अभी पाकिस्तान को 8 में से 6 टेस्ट मैच जीतने होंगे। स्लो ओवर रेट की पेनल्टी से बचना होगा। हालांकि पाकिस्तान के ऐसे में 94 अंक हैं और 55% पॉइंट्स हैं। WTC फाइनल में पहुंचने के लिए इतने पॉइंट्स हैं तो वो काफी नहीं होंगे, लेकिन अगर इतने पॉइंट्स भी होते हैं तो दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा। 8 में से 7 मैच जीतने पर पाकिस्तान को तगड़ा फायदा होगा, यानी कि अभी 8 मैच बाकी हैं और 7 मैच अगर पाकिस्तान जीत जाती है, वो भी बिना स्लो ओवर रेट पेनल्टी के, तो उनके 106 अंक हो जाएंगे और ऐसे में 63.3% ऑफ पॉइंट्स के साथ वो आगे जा सकती है। तो भी पाकिस्तान अगर 6 मैच जीतता है तो फिर उन्हें दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी निर्भर रहना होगा। ऐसे में अगर 6 के 6 टेस्ट मुकाबले पाकिस्तान अपने घर पर जीतता है तो यहाँ उसका फायदा होगा, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका में जाकर 1 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत लेता है तो फिर WTC फाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंच सकती है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।